हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कैची केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसको कंपेयर करेंगे कि वो दोनों में कंपैरिजन करके देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। कौन कौन सा दो रिएक्शन वो होगा? वो एक होगा गैटरमैन कॉच एल्डिहाइड सिंथेसिस और दूसरा होगा गैटरमैन रिएक्शन। ये दो रिएक्शन सेम चीज ही प्रोड्यूस करता है, पर ये जो दो रिएक्शन है इसमें अलग अलग नाम है, मतलब अलग अलग रिएजेंट यूज होगा। कौन सा गैटरमैन कॉच है और कौन सा गैटरमैन है वही हम लोग देखेंगे और उससे क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहला एक नंबर जो रिएक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे वो है गैटरमैन कॉच एल्डिहाइड सिंथेसिस। गैटरमैन कॉच एल्डिहाइड सिंथेसिस जो है इसका पूरा नाम है गैटरमैन कॉच रिएक्शन भी बोल सकते हो, या बोल सकते हो गैटरमैन कॉच एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो मतलब इससे एल्डिहाइड बनेगा। तो ये एल्डिहाइड का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्डिहाइड। अब इससे होता क्या है? इससे होता जो है, आपके पास अगर बेंजीन है, ये रिएक्शन से उससे आप बेंजाइल डिहाइड बना सकते हो, बेंजाइल डिहाइड बना सकते हो डायरेक्टली वन स्टेप में बना सकते हो। तो ये एक वन स्टेप रिएक्शन है, क्योंकि बीच में जो जो आता है उसका इंटरमीडिएट हमें जानने का जरूरत यहाँ पर नहीं है क्लास 12 के रेस्पेक्ट पे। तो आप जो कर सकते हो उसको क्या कर सकते हो, बेंजीन से बेंजाइल डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो वन स्टेप में, मतलब एक स्टेप में ही ये हो जाएगा। ये गैटरमैन कॉच रिएक्शन से यही कर सकते हो। अब कैसे करोगे ये हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, आपके पास, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। इसमें क्या होगा, आपके पास बेंजीन होना चाहिए, जैसे मेरे पास यहां पर है, तो ये बेंजीन मैंने ड्रॉ कर दिया C6H6 प्लस। आपके पास क्या होना चाहिए, कार्बन मोनोक्साइड होना चाहिए, कार्बन मोनोक्साइड मतलब CO, ये होना चाहिए। फिर उसके साथ क्या देना पड़ेगा, एरो दोगे, यहाँ पर एरो के ऊपर दोगे HCl, तो CO और HCl का कॉम्बिनेशन बेंजीन के ऊपर देखोगे तब भी पता चल जाएगा कि ये गैटरमैन कॉच एल्डिहाइड सिंथेसिस है। अब यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, AN, AN डॉट मतलब एनहाइड्राइड, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस का मतलब क्या है, जिसमें पानी नहीं होना होगा एकदम, मतलब सूखा, तो एनहाइड्रस AlCl3। या दे सकते हो तुम क्या, Cu2Cl2, Cu2Cl2 मतलब क्यूप्रस क्लोराइड। और ये जो AlCl3 या Cu2Cl2 तुम दोगे, ये एज अ कैटलिस्ट यहाँ पर काम आएगा, ये एज अ कैटलिस्ट यहाँ पर काम आएगा। तो ये AlCl3 या Cu2Cl2 कैटलिस्ट के रूप में काम यहाँ पर आता है। तब होगा क्या, जो होगा इसमें डायरेक्टली देखा गया है कि एक स्टेप में ही बेंजीन के ऊपर अगर CO और HCl दिया जाए, उसके साथ एनहाइड्रस AlCl3 और Cu2Cl2 कोई भी एक चीज, तो उसमें डायरेक्टली क्या होगा, बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। इसमें जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट जानने का यहाँ पर जरूरत नहीं है, और इंटरमीडिएट यहाँ पर उतना अच्छे से मिलता भी नहीं है, क्योंकि वो उतना अच्छे से स्टेबल नहीं होता, तो उतना अच्छे से नहीं मिलता है। तो गैटरमैन कॉच रिएक्शन जो होता है ये एक स्टेप का रिएक्शन होता है, इसमें इंटरमीडिएट बीच में कुछ नहीं होता। इसमें क्या करोगे, बेंजीन के साथ CO और HCl का कॉम्बिनेशन, और उसके साथ कैटलिस्ट के रूप में एनहाइड्रस AlCl3, या तुम दे सकते हो Cu2Cl2, और देने पर क्या बन जाएगा, आपके पास बेंजाइल डिहाइड बन गया, बेंजाइल डिहाइड बन गया। तो यही होगा गैटरमैन कॉच एल्डिहाइड सिंथेसिस। अब गैटरमैन रिएक्शन क्या, गैटरमैन रिएक्शन यहाँ पर जो होगा, गैटरमैन रिएक्शन को गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस या गैटरमैन फॉर्मिलेशन भी आप बोल सकते हो। तो वही यहाँ पर हम लोग करेंगे, वीडियो पूरा देखना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दो नंबर रिएक्शन क्या देखेंगे, गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस या गैटरमैन फॉर्माइलेशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, गैटरमैन नीचे लिख दे रहा हूं, फॉर्माइलेशन, गैटरमैन फॉर्माइलेशन भी बोल सकते हो। फॉर्माइलेशन मतलब यहां पर CHO ग्रुप का कोई बात है,
तो CHO ग्रुप को ही फॉर्माइल ग्रुप यहाँ पर बोला जाता है। तो इधर क्या होगा, इसमें और गैटरमैन कॉच में डिफरेंस क्या है? तो इसमें क्या होगा, आपके पास बेंजीन होगा, जैसे वहां पर भी था गैटरमैन कॉच में आपने देखा, तो बेंजीन यहां पर भी होगा। वहां पर क्या था, CO था और HCl था, इसमें CO HCl नहीं होगा, इसमें क्या करोगे हाइड्रोजन साइनाइड लोगे, HCl प्लस आपके पास होना चाहिए HCl, मतलब HCl और HCN का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनता है और उसके साथ एनहाइड्रस AlCl3 आप दोगे, इसके CO2Cl2 यहाँ पर यूज नहीं होता, एनहाइड्रस AlCl3 आप दोगे। तो अगर एनहाइड्रस AlCl3 आपने दे दिया तो इधर जो बनेगा वो अच्छे से यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इधर क्या बनता है। तो इधर देखो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन मौजूद है, कोई भी जगह पे हमेशा बेंजीन के चारों ओर मतलब हाइड्रोजन होता है, C6H6 उसका फॉर्मूला है, तो हर एक पॉइंट पे हाइड्रोजन होगा, तो जैसे ही इस पॉइंट पे भी हाइड्रोजन होगा। ये जो पॉइंट है इसका जो हाइड्रोजन है, इसका जो हाइड्रोजन है उसके साथ ये जो CH और उसके साथ NH ये जो है ये पूरा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, मतलब पूरा जो ये कॉम्प्लेक्स है HCN और HCl का जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये इधर आके क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा, तो एडिशन कंपाउंड बना देगा, इंटरमीडिएट बना देगा। तो क्या होगा, बेंजीन को ड्रॉ करने पर ऐसे ड्रॉ करोगे, बेंजीन ड्रॉ किया, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूरा जो चीज है वो हाइड्रोजन, इधर जो हाइड्रोजन था और उसके साथ HCl HCl का पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl, ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया, HCl इंटैक्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, CH और NH जो है डबल बॉन्ड में है, तो CHNH ऐसे करके बन गया है। CHNH आया कहां से, CH तो इधर से ही आ गया HCl से, और NH ये नाइट्रोजन और इधर बेंजीन का जो हाइड्रोजन है, तो पूरा गिन के देखो इधर हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्लोरीन सभी इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, जितना जो था उतना ही इसमें रहा है। तो इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है कि ये जो है ये इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट होगा, जो CO और HCl देने पर नहीं आता था ये इंटरमीडिएट यहाँ पर आ चुका है, ये एडिशन कंपाउंड है और इंटरमीडिएट के रूप में यहाँ पर आता है, मतलब ज्यादा देर तक इधर नहीं रहता है। अब इंपॉर्टेंट जो चीज है, इधर ये जो CHNH का जो ग्रुप है, CH और NH का जो ग्रुप है, ये ग्रुप को क्या बोला जाता है, इमीन कंपाउंड बोला जाता है, आगे वाले जो वीडियो था उसमें भी मैंने बोला था स्टीफन रिडक्शन में, जाके देख लेना, इमीन ग्रुप उधर भी आता है, तो इमीन मतलब CH डबल बॉन्ड NH, तो इंटरमीडिएट तो आता है, पर क्या इंटरमीडिएट आता है, इमीन इंटरमीडिएट आता है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज है इसमें क्या दिया जाएगा, नेक्स्ट जो इधर रिएक्शन होगा उसमें क्या दिया जाएगा, ये जो इंटरमीडिएट बना उसके ऊपर मतलब उसके साथ ही क्या देना पड़ेगा, इधर H2O देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, H2O देना पड़ेगा, उसके साथ यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि बॉयल, मतलब बॉयलिंग H2O दे सकते हो या H2O मिक्स करके बॉयल कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, एक काइंड ऑफ हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस ये हो जाएगा, तो ये स्टेप को बोला जाता है हाइड्रोलाइसिस। और इससे होगा क्या, अब इससे क्या होगा देख लो, व्हाइट से मार्क कर दूंगा इधर, तो देखो इधर दो तुम्हारे पास क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्या क्या निकलेगा देख लो, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पर जो NH.HCl है ये पूरा निकल जाएगा, ये जो दो हाइड्रोजन है ये NH.HCl के साथ निकल जाएगा पूरा, तो क्या बन जाएगा, NH.HCl मतलब NH2Cl और उसके साथ H2 मतलब क्या हुआ, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये तुम्हारा बन गया। अब क्या बचा रहा, यहाँ पर ऑक्सीजन बच गया, ये ऑक्सीजन जाके ये जो CH का डबल बॉन्ड है उसमें घुस जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, आपका कंपाउंड इजीली फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसे करोगे CH लिखोगे और डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन दे दोगे, मतलब CHO ग्रुप आपके पास आ चुका है। ये CHO ग्रुप को आप अगर ऐसे नहीं लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो अच्छे से, नीचे हाइड्रोजन दे दिया ऐसे और ऊपर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन दे दिया, तो आपके पास क्या आ चुका है, बेंजल डिहाइड आ चुका है, ये आपके पास बेंजल डिहाइड आ चुका है जो गैटरमैन कॉच में आया था, पर इधर एक साइड प्रोडक्ट निकला है NH4Cl और इसमें इंटरमीडिएट इमीन स्टेप भी है, तो इमीन इंटरमीडिएट आता है फिर जाके एल्डिहाइड बनता है
पर गैटरमैन कॉच पे ऐसा नहीं होता। तो यही डिफरेंस था बिटवीन गैटरमैन कॉच एल्डिहाइड सिंथेसिस एंड गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। दोनों से ही सेम प्रोडक्ट ही बनता है, बेंजीन से बेंजाइल एल्डिहाइड ही बनता है, पर इसमें दो स्टेप में होता है, इंटरमीडिएट आता है इमिन, और गैटरमैन कॉच में इंटरमीडिएट नहीं आता, उसमें COHCl यूज होता है, इसमें HCNHCl यूज होता है। तो यही बेसिक डिफरेंस है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।